आप देख रहे हैं देवास का अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। आज जब लोग सब सब लोग जानते हैं कि किसान आता है मंडी के अंदर अपनी फसल बेचने के योजना थी और हजारों करोड़ रुपए के रफर दिए, लेकिन सरकारी विधायक ने अपने मन दरअसल आप सब लोग हम सब लोग भली भांति जानते हैं देवास में जिंदाबाद साल दो साल से जो घटनाक्रम चल रहा है, ये सारे ब्रिज जो गलत तरीके से बनाए गए, ये ब्रिज शहर के अंदर आना था, मेंढकी ये अपने मंडी वाला ब्रिज जो बड़ा बनना था उसको वहीं संकुचित कर दिया गया। इन सब के को लेकर देवास की जनता में बड़ी दुखी है। देवास की जनता आज देवास की जनता का भाव लेकर हम लोग आए हैं कि यहाँ पर इस ब्रिज का नाम क्योंकि जबरन बनाया गया है, दादागिरी से बनाया गया है, दादागिरी पूर्वक बनाया गया है, हट धर्मिता के साथ बनाया गया है, इस ब्रिज का नाम जबरन ब्रिज होना चाहिए, जो आज इसका नाम जबरन ब्रिज हो गया। भैया आपकी सारे कांग्रेसी नजर नहीं आ रहे यहाँ पर? जी देखिए कांग्रेस का अधिवेशन चालू है रायपुर में, तो बहुत सारे लोग वहाँ पर हैं और आज शादी पे बाकी कांग्रेसी सभी तो हैं, आप देखिए जरा सारे कार्यकर्ता हैं हम बहुत लोग। भैया मनोज इसमें कांग्रेस के बड़े जो नेता थे उनका कहना था जानकारी कार्यक्रम जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी कोई नेता नहीं, कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता से कांग्रेस पार्टी बनती है। कांग्रेस पार्टी दो 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 विभागों में बटी हुई नजर आ रही है यहाँ पर, क्या आपको रोकने का प्रयास किया जा रहा है शीर्ष नेतृत्व? भारतीय जनता पार्टी कितने भागों में बटी हुई है, देखिए कांग्रेस हो या बीजेपी हो सब अपने अपने दल के लिए प्रति बिल्कुल वफादार रहते हैं, और बेसिक बात है कि हम कार्यकर्ता है, कार्यकर्ताओं की आवाज, कार्यकर्ताओं की आवाज उठाने का अधिकार है, कांग्रेस पार्टी ने दिया, हम सब लोग साथ। मनोज आजानी जी ने कहा कि हमें पता ही नहीं आंदोलन के बारे में। नहीं आंदोलन के बारे में अध्यक्ष जी अभी रायपुर में है, उनको जानकारी कैसे? चलिए ठीक है ओके।